वेलकम टू स्टडी गो विजीनत। आज इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में कुछ प्रोविजन डिस्कस करेंगे। कुछ प्रोविजन बोले तो सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 73 तक के प्रोविजन। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, वैसे तो चैप्टर नंबर 5 में टोटल सेक्शन 56 से लेकर 93 तक के प्रोविजन दे रखे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और इन सेक्शन की बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे सेक्शन नंबर 61 से लेकर 90A तक के प्रोविजन। तो इनमें से ना जो ये वाले प्रोविजन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 56 से 73 तक, बस यही आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर सारे डिस्कस करेंगे ना एक वीडियो में तो आप बोर हो जाओगे, और इवन मुझे भी मजा नहीं आएगा पढ़ाने में इतने सारे एक साथ इतना सारा पढ़ाने का, मुझे खुद बोरियत आती है। चलो एनीवे, अब हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब क्या है। तो इस चीज को जानने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 क्लोज ई में, जहां पे एविडेंस की डेफिनेशन दे रखी है। उसमें कह रहे हैं कि एविडेंस में आता है आपका ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब होता है सारे के सारे डॉक्यूमेंट, इवन उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी इंक्लूड कर लो, जो कि बेसिकली कोर्ट के समक्ष इंस्पेक्शन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं कि लोग जज साहब करो इनका इंस्पेक्शन, देखो जो देखना है इसमें आपको। वही डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज डी में दे रखी है। कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का मतलब होता है अगर किसी भी सब्सटेंस पे कोई बात एक्सप्रेस की गई है, डिस्क्राइब की गई है, किसी और तरीके से रिकॉर्ड की गई है, लेटर्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, मार्क्स के थ्रू, या किसी और तरीके से, या इनमें से एक से ज्यादा तरीकों से, और उसके पीछे इंटेंशन यही है कि उसको यूज किया जाए या यूज किया जा सके फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, दैट पर्टिकुलर बात, उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली जो भी बातें रिकॉर्ड की जाती है वो भी इंक्लूडेड है, उन सभी को यहां पर डॉक्यूमेंट माना जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के फर्स्ट लेक्चर में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो एक बार वो जरूर देख लेना। बाकी डॉक्यूमेंट का एग्जांपल हो सकता है कोई भी लिखी हुई चीज, वर्ड्स प्रिंट किए गए, लिथोग्राफ किए गए, फोटोग्राफ किए गए, कोई मैप, प्लान, इंस्क्रिप्शन जो मेटल प्लेट पर है पड़ा हुआ या स्टोन पर पड़ा हुआ है, लाइक अशोक के शिलालेख वगैरह हो गए, स्तंभ लेख वगैरह हो गए, कैरिकेचर वगैरह जो हंसाने वाली इमेजेस वगैरह बनाई गई होती है वो, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो ईमेल में, सर्वर लॉग्स में, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्यूटर में, लैपटॉप में, स्मार्टफोन में पड़े होते हैं वो भी, और मैसेजेस, वेबसाइट्स, लोकेशनल एविडेंस एंड वॉइस मेल मैसेजेस जो स्टोर किए गए हैं डिजिटल डिवाइसेस में, वो सब डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के जरिए, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कैटेगरी में आते हैं। जो मेमोरी कार्ड के कंटेंट हैं क्राइम से रिलेटेड, वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आते हैं। टेप रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो हैं उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड रेस जस्टे की तरह रेलेवेंट माना जाता है। ये कहा गया था आरएम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। तो यहां पर आपको आइडिया हो गया होगा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। एंड डॉक्यूमेंट जो होते हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट, एक होता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए सिंपल सी चीज है सर्टिफाइड कॉपी, वो जो कि सेकेंडरी एविडेंस मानी जाती है, वो प्रोड्यूस करके हम पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव कर सकते हैं। वहीं प्राइवेट डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, प्राइवेट डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए हमारे पास सेक्शन नंबर 56 में ये चीज लिखी है कि उनको प्रूव किया जा सकता है या तो प्राइमरी एविडेंस से या फिर सेकेंडरी एविडेंस से। सो टुडेज लेक्चर इज रिवॉल्विंग अराउंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसलिए हमने पहले थोड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में जान लिया। अगर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सारे लेक्चर्स चाहिए तो वो सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, उस कंटेंट का मैंने एक बुक लॉन्च किया है हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, जो कि बाय पोस्ट भेजी जाएगी। अगर आपको परचेज करनी है तो परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। बाकी क्रिमिनल लॉज जो है न्यू वाले वो भी जल्द ही बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे, और उसके बारे में ना आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विजीनत पर मैं अपडेट दे दूंगी जल्द ही। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विजीनत जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीजों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीजों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 56 ये कहता है कि डॉक्यूमेंट में जो लिखा है, यानी डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है, अगर वो आप प्रूव करना चाह रहे हो, उसके बारे में आप एविडेंस देना चाह रहे हो, तो आप क्या लेकर जाओगे। आप लेकर जा सकते हो या तो प्राइमरी एविडेंस उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट का, उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट का प्राइमरी एविडेंस वो डॉक्यूमेंट खुद ही होगा, और ये चीज आपको सेक्शन 57 से पता चलती है कि प्राइमरी एविडेंस क्या हो सकता है। या फिर आप ले जा सकते हो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट का सेकेंडरी एविडेंस, बोले तो कोई सब्स्टिट्यूट, बोले तो कोई कॉपी वगैरह, वो भी तब जब आप अंडर सेक्शन 60 एलिजिबल होते हो। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है ये सेक्शन 58 में बता रखा है। तो डॉक्यूमेंट के कंटेंट को या तो प्राइमरी एविडेंस पेश करके प्रूव किया जा सकता है या फिर सेकेंडरी एविडेंस पेश करके, अगर सेक्शन 60 में एलिजिबल हो जाते हैं। इन दो तरीकों के अलावा किसी और तरीके से डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 56। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 57 बताता है कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है।
ये कहता है कि प्राइमरी एविडेंस ना डॉक्यूमेंट खुद ही होता है जो कि कोर्ट के समक्ष इंस्पेक्शन के लिए प्रस्तुत किया गया। ये चीज मैंने पहले भी आपको बता दी। तो इस सेक्शन में जो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वो कंटेंट हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन नंबर 62 में, और तब सेक्शन नंबर 62 में सिर्फ दो ही एक्सप्लेनेशन थे, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2। बट अब यहां पर सेक्शन 57 में करा ये है इन्होंने कि उस एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया दो एक्सप्लेनेशन में, और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 अब एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है, और साथ ही चार नए एक्सप्लेनेशन यहां पर ऐड कर दिए हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 4, 5, 6, 7। तो ये नई चीज की गई है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये कह रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है काफी सारे पार्ट में, मल्टीपल पार्ट्स में, सेवरल पार्ट्स में, तो तब उस डॉक्यूमेंट का हर एक पार्ट प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तीन पार्टनर्स अलग अलग पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट करते हैं फॉर क्रिएटिंग दियर पार्टनरशिप फर्म, तो वो हर एक डीड प्राइमरी एविडेंस कहलाएगी। सेकेंड एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ काउंटर पार्ट में, मतलब एक डॉक्यूमेंट का आधा पार्ट एक व्यक्ति ने एग्जीक्यूट किया और आधा पार्ट दूसरे व्यक्ति ने एग्जीक्यूट किया, तो जिसने भी जो पार्ट एग्जीक्यूट किया है वो पार्ट उस एग्जीक्यूट करने वाले पर्सन के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब लीज ग्रांट की जाती है तो जो पर्सन ग्रांट करता है उसको हम कहते हैं लेसोर, जिसको ग्रांट करता है उसको हम कहते हैं लेसी। तो लेसोर लीज ग्रांट करते टाइम जो डीड एग्जीक्यूट करता है उसको हम कहते हैं पट्टा, और जो लेसी एग्जीक्यूट करता है उसको हम कहते हैं काबूलियत। तो जो पट्टा है वो एग्जीक्यूट जिसने किया है यानी लेसोर ने किया है, तो वो पट्टा लेसोर के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस है। वही पट्टा जो कि लेसी ने एग्जीक्यूट नहीं किया है लेसी के अगेंस्ट, वो सेकेंडरी एविडेंस है। उसी तरीके से काबूलियत जो कि एग्जीक्यूट किया है लेसी ने, तो वो लेसी के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस है। वही काबूलियत एग्जीक्यूट नहीं किया है लेसोर ने, लेसोर के अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस है। यानी जो आप एग्जीक्यूट करोगे वो आपके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होगा, जो आप एग्जीक्यूट नहीं किए हो, सामने वाला पर्सन एग्जीक्यूट किया है, तो वो आपके अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा काउंटर पार्ट के बारे में। थर्ड एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट यूनिफॉर्म प्रोसेस में तैयार हो रहे काफी सारे, लाइक प्रिंटिंग के थ्रू, लिथोग्राफी के थ्रू या फोटोग्राफी के थ्रू, तो वो हर एक ना बाकियों के कॉन्टेंट का प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्या होता है, हम जब एग्जाम देते हैं ओएमआर शीट पे, तो जो हमारी ओएमआर शीट होती है उसके नीचे कार्बन लगा होता है और उसके पीछे एक और कॉपी लगी होती है, तो जैसे जैसे हम टिक लगाते जाते हैं, साइन वगैरह करते हैं, रोल नंबर वगैरह लिखते जाते हैं, तो वो पीछे पीछे एक साथ साथ छपता जाता है। तो तब वो जो कॉपी है ना, वो उस ओएमआर शीट का क्या मानी जाएगी, प्राइमरी एविडेंस ही मानी जाएगी, क्योंकि वो दोनों यूनिफॉर्म प्रोसेस में तैयार हो रहे हैं। और ये बात कही गई थी मोहिंदर सिंह वर्सेस जसवंत कौर 2019 के केस में। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर यूनिफॉर्म प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं, बट वो सारे के सारे ना तैयार किए जा रहे हैं किसी कॉमन ओरिजिनल से, तो तब वो उस कॉमन ओरिजिनल के कंटेंट का प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, कोई मास्टर मैगजीन है, मास्टर मैगजीन क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि इसी से बाकी सब कुछ किया जा रहा है, कोई मास्टर मैगजीन है और इस मैगजीन से काफी सारी कॉपियां तैयार की जा रही हैं, तो तब ये जितनी भी कॉपियां हैं वो इस मास्टर मैगजीन के कंटेंट का प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी। अब यहाँ पर कुछ नए एक्सप्लेनेशन जो जोड़े गए हैं, उनमें से सबसे पहले एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है या स्टोर किया गया है, और ये चीज ना साइमल्टेनियसली हो रही है लगातार एक साथ, या फिर सिक्वेंशियली एक के बाद एक कंसिक्यूटिवली, ठीक है, और ये की जा रही है मल्टीपल फाइल्स में, तो तब हर एक फाइल प्राइमरी एविडेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पीडीएफ बनाई गई है बहुत बड़ी सी, ठीक है, अब उस पीडीएफ में जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप एनसीईआरटी की जब बुक डाउनलोड करते हो तो उसके जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो अलग अलग फाइल्स में सेफ होते हैं। तो इसी तरीके से मान के चलो कोई पीडीएफ है उसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो वो सारे चैप्टर्स अलग अलग फाइल्स में सेफ हो रहे हैं, तो वो हर एक फाइल ना प्राइमरी एविडेंस होगी। एक्सप्लेनेशन 5th कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया जाता है प्रॉपर कस्टडी से, तो तब वो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड प्राइमरी एविडेंस होगा, जब तक कि ये चीज डिस्प्यूटेड ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप बैंक स्टेटमेंट निकालते हो, कहां से निकाल रहे हो, जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है आपके बैंक की, वहां से आप बैंक स्टेटमेंट निकाले हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डेटा जो आप निकाले हो वो प्रॉपर कस्टडी से निकाले हो, ऐसा कहा जाएगा, तो वो भी यहाँ पर प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा, क्योंकि वो आपने डायरेक्टली निकाला है बैंक के सिक्योर सर्वर से। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 ये कह रहा है कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, और वो साथ साथ में स्टोर भी हो रही है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एंड
फिर उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं कहीं और, तो जहां जहां पर भी वो स्टोर हुई है ना रिकॉर्डिंग, वो हर एक स्टोर्ड रिकॉर्डिंग प्राइमरी एविडेंस होगी. फॉर एग्जांपल जैसे कि जो सीसीटीवी कैमरे में होता है रिकॉर्ड, तो वो साथ साथ में ना आपकी जो हार्ड डिस्क है वहां पर सेव होता रहता है, एंड वो जो क्लाउड स्टोरेज है वहां पर वो सेव होता रहता है. उसके अलावा अगर आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हो किसी और फोल्डर में, कहीं और सेव कर रहे हो, तो वो जहां जहां पर भी रिकॉर्डिंग स्टोर हो रही है वो हर एक स्टोर्ड रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज की प्राइमरी एविडेंस होगी. दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है जो आपका स्पोर्ट्स मैच का लाइव स्ट्रीमिंग होता है ना, तो वो साथ साथ में ना वो सेव भी करते रहते हैं. तो जहां जहां भी उसके रिकॉर्डिंग को वो सेव कर रहे हैं, लाइक फिर अगले दिन वो क्या करते हैं, पुराना मैच चला देते हैं टीवी में, तो वो फिर उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं अगले दिन या उसको कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसकी जहां जहां पे भी रिकॉर्डिंग स्टोर हो रही है वो सारी की सारी स्टोर रिकॉर्डिंग उसकी यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस मानी जाएंगी. एक्सप्लेनेशन नंबर 7 में कह रहे हैं कि जब भी कोई डेटा वगैरह हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली मल्टीपल स्टोरेज में सेव करते हैं, तो फिर ना मतलब अपने आप ही कुछ ऑटोमेटिक उसकी फाइल्स बन जाती हैं, लाइक टेम्पररी फाइल्स वगैरह. तो वो टेम्पररी फाइल्स जो होती है ना वो भी यहाँ पर उसका प्राइमरी एविडेंस होती है. लाइक कई बार ऐसा होता है, अचानक मेरा जो लैपटॉप है वो बंद हो गया, मैं काम कर रही हूँ एमएस वर्ल्ड में, तो फिर जब मैं उसको ना दोबारा से स्टार्ट करती हूँ तो वो फाइल अपने आप ही जो अनसेव्ड है उसका एक कॉपी क्रिएट हो जाता है, टेम्पररी फाइल. तो वो टेम्पररी फाइल ना यहाँ पर आएगी एक्सप्लेनेशन नंबर 7 में, वो भी प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी. ओके तो बस इतनी सी बात है सेक्शन नंबर 57 में भारतीय साक्षी अधिनियम के. आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा. भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन नंबर 58 में सेकेंडरी एविडेंसेस की लिस्ट दे रखी है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीजें सेकेंडरी एविडेंस हो सकती हैं. तो ये जो लिस्ट यहाँ पर इस सेक्शन में दे रखी है, जब ये सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करता था सेक्शन नंबर 63, तो तब ये लिस्ट ना छोटी सी थी, मतलब कुल 5 ही आइटम वहां पर मेंशन थे. बट अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 58 भारतीय साक्षी अधिनियम, जो सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का रिप्लेसमेंट है, इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे ये 3 एक्स्ट्रा आइटम. टोटल फिर 8 आइटम इन्होंने यहाँ पे डाल दिए हैं, 5 पहले ऑलरेडी थे और ये 3 न्यू यहाँ पर ऐड कर दिए हैं. सेकेंडरी एविडेंसेस की लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास आती है सर्टिफाइड कॉपीज. अब ये है क्या चीज, तो जब भी मतलब हमें किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट में एविडेंस देना है, तो हम अगर ऐसा करें कि जिस भी कार्यालय में वो पब्लिक डॉक्यूमेंट रखा है वहां से उठवाया और सीधा कोर्ट में ले गए, तो फिर उसी टाइम पे अगर किसी और को उस पब्लिक डॉक्यूमेंट का एविडेंस देना हुआ तो फिर वो क्या लेके जाएगा, है कि नहीं. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम जो पब्लिक डॉक्यूमेंट उठा के लेके गए हैं कार्यालय से, वैसे ही हम इंडियन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं सरकारी चीजों की, वैसे ही हम अहमियत नहीं करते. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम ऐसे हैं, हम लोग तो बहुत आदर्शवादी लोग हैं, बट कुछ होते हैं हमारे देश में ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं कि मतलब नल के नल उखाड़ के ले जा देते हैं, ट्रेन की जो पटरी होती है ना उसे भी नहीं छोड़ते हैं, गेट के गेट उखाड़ के ले जा लेते हैं, खतरनाक होते हैं. तो ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट अगर ऐसे ही दे दिया जाए किसी के भी हाथ में कि ले जाओ इसे कोर्ट में प्रूफ करने के लिए, दे दो इसका एविडेंस, तो फिर उस पब्लिक डॉक्यूमेंट का पता नहीं चलेगा कहाँ गया, या उसकी वो धज्जियाँ उड़ा देंगे अच्छी वाली. तो इसीलिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट तो रखा रहने दो उस कार्यालय में जहाँ पर वो है, उसकी क्या करो कॉपीज लो, उस तरीके से जैसे कि भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन 75 में बताया है. और अगर उस तरीके से आप वो कॉपीज इशू करवाते हो तो तब वो कॉपीज कहलाएंगी उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी. और सेक्शन 75 को ध्यान में रखकर जो सर्टिफाइड कॉपी इशू की जाती है ना, उनकी जेन्युइननेस भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन 78 के तहत कोर्ट प्रिज्यूम करता है. और ये जो प्रिजम्पशन कोर्ट लगाता है सर्टिफाइड कॉपी के जेन्युइननेस के रिगार्डिंग, ये होती है रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. बाकी सेक्शन नंबर 76 ये कहता है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो सर्टिफाइड कॉपी से प्रूव करो. और इसके अलावा आपका सेक्शन नंबर 60 क्लोज ई भी ये कहता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट जब होते हैं तब तो उनको सर्टिफाइड कॉपी से ही प्रूव करना पड़ता है. और क्लोज एफ जो है सेक्शन 60 का, वो भी यही कहता है कि अगर बाय द लॉ किसी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड कॉपी से प्रूव करना रिक्वायर किया गया है तो तब उसको भी सर्टिफाइड कॉपी से ही प्रूव करते हैं, उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी ही इशू कराते हैं. और ये सर्टिफाइड कॉपी होती है सेकेंडरी टाइप ऑफ एविडेंस. नेक्स्टली जो कॉपीज ओरिजिनल से बनाई जाती हैं मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए, जो प्रोसेस बेसिकली उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखती है कॉपी में. फॉर एग्जांपल जैसे कि स्कैनर से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी मार्कशीट वगैरह होती है उसको हम स्कैन करके कॉपी निकाल रहे हैं, तो मार्कशीट तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, बट उसका जो कॉपी हम स्कैन करके निकाले हैं स्कैनर के जरिए, मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए, वो कॉपी
उस मार्कशीट का, उस ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस है, एंड कॉपीज उन कॉपीज के साथ कंपेयर करके जो निकाली जाती है वो भी सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा अगर आप अपनी मार्कशीट का फोटो क्लिक करते हो तो तब भी वो जो फोटोग्राफ आपने आपकी मार्कशीट का क्लिक किया है वो भी सेकेंडरी एविडेंस है उस मार्कशीट का। तो ये फोटो क्लिक करके जब हम कॉपी निकाल रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, स्कैन करके कॉपी बना रहे हैं, फोटो कॉपी करके कॉपी बना रहे हैं, फोटो स्टेट वाली मशीन जो होती है उसके जरिए, प्रिंटर के जरिए बना रहे हैं, तो ये चीज सारी सेकेंड क्लोज में फॉलो होंगी। सेकेंडली जो कॉपीज ओरिजिनल से बनाई जाती हैं या ओरिजिनल से कंपेयर करके बनाई जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है, ठीक है, उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जा रहा है, देन उसको रिकॉर्डिंग के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया गया है ये उस ओरिजिनल का, बोले तो रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन का सेकेंडरी एविडेंस है। सेक्शन 58 के क्लोज 4 में जो कहा है वो हमने डिस्कस कर लिया था सेक्शन 57 के एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के साथ ही। वहां पर ये चीज मेंशन थी कि अगर डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट होता है तो जो पार्टी एग्जीक्यूट करी है काउंटर पार्ट वो उसके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होता है, और यहां पर ये लिखा है कि जो एग्जीक्यूट नहीं की है उसके अगेंस्ट वो होता है सेकेंडरी एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट हम लोगों ने काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट किया, लाइक एक पार्ट उस डॉक्यूमेंट का मैंने एग्जीक्यूट किया, एक पार्ट आपने एग्जीक्यूट किया, जो आपने एग्जीक्यूट किया है वो आपके अगेंस्ट और जो मैंने एग्जीक्यूट किया है वो मेरे अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होगा, और जो आपने एग्जीक्यूट नहीं किया है वो आपके अगेंस्ट और जो मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है वो मेरे अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस होगा। क्लोज 50 ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट का अगर आप ओरली एविडेंस देना चाहते हो, आप ये बताना चाहते हो कि आपने कोई डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ पढ़ा है, तो एक चीज ध्यान रखो कान खोल के, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ये कह रहा है सेक्शन नंबर 55 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, यानी कि डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ आपने देखा वो आप ही जाके कोर्ट में बताओगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो पॉइंट है ना, ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ पर्सन हु हैज सीन इट, ये क्या है, ये सेकेंडरी टाइप ऑफ एविडेंस है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दी इन्होंने। ओके, नेक्स्टली जो ओरल एडमिशन होता है, इस चीज के रिगार्डिंग हमने सेक्शन नंबर 20 में पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट के बारे में उसकी जो कंटेंट है ना उसके बारे में आप ओरल एडमिशन नहीं कर सकते हो क्योंकि वो चीज रेलेवेंट नहीं होती है, बट तब रेलेवेंट होती है जब आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाए या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसकी जेन्युइननेस क्वेश्चन में आ जाए, तो तब ओरल एडमिशन किया जा सकता है डॉक्यूमेंट के कॉन्टेंट का। तो यहाँ पर वो ओरल एडमिशन जो किया जा रहा है वो कौन से टाइप का एविडेंस है, जब आप वो तब दे रहे हो जब आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एलिजिबल हो रहे हो, तो इसका मतलब साफ है कि वो सेकेंडरी टाइप ऑफ एविडेंस है। पहले ये चीज मेंशन नहीं थी, इसलिए इन्होंने क्लियरली यहाँ पर ये चीज ऐड करके मेंशन कर दी है सेक्शन नंबर 58 में, तो ये न्यू चीज यहाँ पर इन्होंने ऐड की है। नेक्स्टली जो रिटर्न एडमिशन होते हैं इसके बारे में हम सेक्शन नंबर 60 में दिए गए क्लोज भी में पढ़ते हैं कि अगर ओरिजिनल के एग्जिस्टेंस कंडीशन और कॉन्टेंट के बारे में रिटर्न में एडमिशन अगर कर लिया गया है तो तब उस रिटर्न एडमिशन के जरिए उस ओरिजिनल का एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट प्रूव किया जा सकता है। तो ये जो रिटर्न एडमिशंस हैं ये भी सेकेंडरी टाइप ऑफ एविडेंस है। वही सेक्शन 60 के क्लोज जी में हम पढ़ते हैं कि अगर जो एविडेंस है वो किसी ऐसे डॉक्यूमेंट का पार्ट है जो भाई साहब बहुत तगड़ी चीज है, मतलब उसमें न्यूमरस अकाउंट है या अदर डॉक्यूमेंट उसमें शामिल है जिनको ना कन्वीनियंटली कोर्ट में एग्जामिन नहीं किया जा सकता है, तो तब जरूरत पड़ती है कि कोई स्किल्ड पर्सन उनको एग्जामिन करके ना उनके बारे में एविडेंस दे। तो ये चीज करना जैसे कि सेक्शन 60 के क्लोज डी में अलाउ किया गया है, तो ये चीज आखिर होगी क्या, तो ये चीज सेकेंडरी टाइप ऑफ एविडेंस की कैटेगरी में आएगी, ये यहाँ पर इन्होंने क्लोज 8 सेक्शन नंबर 58 में ऐड करके क्लियर कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल एक मामले में लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं तो फोरेंसिक अकाउंटेंट उन रिकॉर्ड को एग्जामिन किया तो फिर उनके बारे में वो एविडेंस दे सकता है कोर्ट में, और वो जो एविडेंस देगा वो सेकेंडरी टाइप ऑफ एविडेंस होगा। अब यहाँ पर आपने ये तो देख लिया कि सेकेंडरी एविडेंस कौन कौन से हो सकते हैं, सेक्शन नंबर 58 से ये चीज आपको क्लियर होगी, सेक्शन नंबर 57 से ये चीज क्लियर होगी कि प्राइमरी एविडेंस कौन कौन से हो सकते हैं, और सेक्शन नंबर 56 में हमने पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को या तो प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ किया जा सकता है या फिर सेकेंडरी एविडेंस से, बट ये क्या सेक्शन 59 तो ये कह रहा है कि प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए, प्राइमरी एविडेंस को, यानी कि डॉक्यूमेंट के कॉन्टेंट को प्रूव किया जाना चाहिए प्राइमरी एविडेंस से, बोले तो उस डॉक्यूमेंट से ही। हालांकि ये जो रूल है ना, ध्यान रखना है कि ये बेस्ट एविडेंस रूल है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन सेक्शन नंबर 60 में मेंशन है, जब आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो सवाल अभी आता है कि कब आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो इसका आंसर सेक्शन नंबर 60 में कर रखा है और इस चीज के रिगार्डिंग टोटल 7 परिस्थितियां बता रखी है।
पहली सिचुएशन ये है कि अगर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो पजेशन में है या पावर में है किस पर्सन के, ऐसे पर्सन के जिसके अगेंस्ट ही वो प्रूव किया जाना है, या फिर जो कोर्ट की पहुंच के बाहर है या कोर्ट के प्रोसेस के अधीन नहीं है, या फिर जो लीगली बाउंड था उस डॉक्यूमेंट को, ओरिजिनल को प्रोड्यूस करने के लिए, बट सेक्शन 64 का नोटिस भी चला गया उसको, लेकिन फिर भी उसने प्रोड्यूस नहीं किया, तो तब उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट का कोई भी सेकेंडरी एविडेंस जो सुटेबल है वो आप दे सकते हो। लेकिन अगर हो ये जाए कि जो ओरिजिनल है उसका एग्जिस्टेंस, कंडीशन या कंटेंट जिस पर्सन के अगेंस्ट वो प्रूव किया जाना है उस पर्सन के द्वारा राइटिंग में एडमिट किया जा चुका है, या उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रिटर्न में एडमिट किया जा चुका है, यानी रिटर्न एडमिशन कर लिया उसने, तो अब उस रिटर्न एडमिशन से जो कि एज पर सेक्शन नंबर 58(7) सेकेंडरी टाइप ऑफ एविडेंस है, आप उसको प्रूव कर सकते हो, यहाँ पर रिटर्न एडमिशन उसका एडमिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि जो ओरिजिनल है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, या फिर वो खो गया है, या फिर जो पार्टी उसका एविडेंस ऑफर कर रही थी वो उसको रीजनेबल टाइम में बिना अपने खुद के फॉल्ट और नेग्लिजेंट के प्रोड्यूस करने में फेल हो गई है, तो तब एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस उस ओरिजिनल का दे के उसको प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्टली अगर जो ओरिजिनल है वो इस नेचर का है कि उसको इजीली मूव ही नहीं किया जा सकता है, तो तब भी एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस जो सुटेबल है उसका दिया जा सकता है। क्लोज ये कह रहा है कि अगर ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो तब, या फिर अगर ओरिजिनल की सर्टिफाइड कॉपी परमिसेबल है तो तब। इन दोनों परिस्थितियों में सर्टिफाइड कॉपी चल जाएगी, और सर्टिफाइड कॉपी इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है सेक्शन 58 के क्लोज 1 में। नेक्स्टली अगर जो ओरिजिनल है वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स जिसको कन्वीनियंटली इन द कोर्ट एग्जामिन नहीं किया जा सकता है, और जो फैक्ट प्रूफ किया जाना है उसके लिए जो पूरा का पूरा कलेक्शन है उसको कंसीडर करना पड़ेगा, तभी जाके आउटपुट मिलेगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो तब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे पर्सन से उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करवा सकते हैं जो इस तरह के एग्जामिनेशन करने में स्किल्ड हो, और फिर वो पर्सन उसका एविडेंस दे सकता है, और वो एविडेंस जो देगा एज पर सेक्शन नंबर 58 क्लोज नंबर 8 वो होगा सेकेंडरी टाइप ऑफ एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में देने के लिए सेक्शन नंबर 60 में जो कंडीशंस डिस्कस की वो कोर्ट को सेटिस्फाई करनी होगी, उस पार्टी को जो पार्टी सेकेंडरी एविडेंस देना चाह रही है। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 60। सेक्शन 60 के क्लोज ए में जैसे कि मैंने नोटिस के बारे में बात की थी, उसी चीज के रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 64 में प्रोविजन दिया गया है जो कि ये कहता है कि सेक्शन 60 के क्लोज ए में जो सिचुएशन बता रखी है उस सिचुएशन में आप सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट का तभी दे सकते हैं जब आपने ना प्रायर नोटिस दे दिया हो जिस पार्टी के पोजेशन में डॉक्यूमेंट है उस पार्टी को, या उनके एडवोकेट को, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव को, जैसा कि लॉ ने प्रिस्क्राइब किया उस तरीके से, या फिर जैसा कि कोर्ट ने रीजनेबली बताया है, डिटरमिन किया है उस तरीके से। बट कुछ परिस्थितियां हैं जब नोटिस देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लाइक अगर डॉक्यूमेंट ही खुद नोटिस है, या फिर एडवर्स पार्टी को पता होना चाहिए कि उनको जरूरत है वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की, या फिर एडवर्स पार्टी ने जो ओरिजिनल है बाय फ्रॉड या फोर्स ऑब्टेन किया है अदर पार्टी से, या फिर एडवर्स पार्टी या उनका एजेंट जो ओरिजिनल है ना वो कोर्ट में ही लेकर आया हुआ है, या फिर एडवर्स पार्टी या उनके एजेंट ने ये बात एडमिट कर ली है कि जो डॉक्यूमेंट है वो खो गया है, या फिर जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो पर्सन कोर्ट की पहुंच से परे है या कोर्ट की प्रोसेस के अधीन नहीं है। ये जो नोटिस वाली रिक्वायरमेंट है कोर्ट चाहे तो इसको डिस्पेंस भी कर सकती है, ये कहा गया था दीनानाथ वर्सेस रामराज के केस में। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 64। अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का अगर एविडेंस लेना है तो उसके बारे में क्या प्रोविजन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, उसके बारे में सेक्शन नंबर 61, 62 और 63 दे रखे हैं, और ये तीनों सेक्शन ना हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अभी इन तीनों सेक्शन को भूल जाओ। इसके बाद सेक्शन नंबर 64 था जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, अब सीधा आ जाओ सेक्शन नंबर 65 पे। यहां पर पता क्या कह रहे हैं, यहां पे बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहे हैं, यहां बोल रहे हैं कि अगर किसी डॉक्यूमेंट के बारे में आप कोर्ट में बोल रहे हो कि जज साहब ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये इस पर्सन की हैंडराइटिंग में है या ये इस पर्सन ने साइन किया है, तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ वो उस पर्सन की ही हैंडराइटिंग में है, वो उस पर्सन का ही साइन है। और प्रूफ कैसे करोगे, मेथड क्या है प्रूफ करने के हैंडराइटिंग को, ये हमने डिस्कस किया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लेक्चर नंबर 6 में, तो वहां पर जाकर आप देखो।
बाकी भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 65 इंडियन एविडेंस एक्ट में होता था सेक्शन नंबर 67 और सेक्शन नंबर 66 भारतीय साक्षी अधिनियम में होता था सेक्शन नंबर 67 है। तो सेक्शन नंबर 66 भी वैसे ही बात करता है जैसे कि भी हमने डिस्कस की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात कर दी। ये कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में किसी सब्सक्राइबर के द्वारा फिक्स किया गया है, ऐसा आप एलिज कर रहे हो, ऐसे इल्जाम अगर आप लगा रहे हो, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ भाई साहब वो उस सब्सक्राइबर के द्वारा ही अफिक्स किया गया, वो उस सब्सक्राइबर का ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। बट ये चीज अप्लाई नहीं होगी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पर। भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 67 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करता था सेक्शन नंबर 68, ये कहता क्या है, ये कहता है कि अगर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मतलब बाय द लॉ रिक्वायर है कि उसका अटेस्टेशन कराया जाना चाहिए लाइक विल वगैरह, तो उसके बारे में अगर आप कोर्ट में एविडेंस देना चाह रहे हो तो फिर उसका एग्जीक्यूशन प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे, कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस को आपको बुलाना पड़ेगा, जो भी गवाहों ने अटेस्टेशन किया था, जो साक्षी बने थे, उनमें से किसी एक विटनेस को बुलाना पड़ेगा। बट शर्त यह है कि वो जिंदा हो, कोर्ट की प्रोसेस के अधीन हो, एविडेंस देने के काबिल हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो तब क्या होगा। इसका इलाज सेक्शन नंबर 68 में दे रखा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई अटेस्टिंग विटनेस ना मिले, ऐसा कब हो सकता है, लाइक मर गया या मिल नहीं रहा है, कोई भी सिचुएशन ऐसा हो सकता है, तो तब हम क्या करेंगे, एटलीस्ट किसी भी एक अटेस्टिंग विटनेस की जो हैंडराइटिंग है ना, उसको हम प्रूव करेंगे कि हाँ ये उसी अटेस्टिंग विटनेस की हैंडराइटिंग है, एंड सिग्नेचर उस पर्सन के जो कि डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है ये उसी की हैंडराइटिंग में है, तो ये चीज प्रूव करके हो जाएगा प्रूफ एग्जीक्यूशन। बट कुछ सिचुएशन है जहां पर ये चीज करने की जरूरत नहीं होती है, ना तो टेस्टिंग विटनेस को बुला के प्रूफ करने की जरूरत होती है, ना ही सेक्शन 68 में जो तरीका बता रहा है उस तरीके से एग्जीक्यूशन को प्रूफ करने की जरूरत होती है। ऐसा कब, जब भाई वो डॉक्यूमेंट है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, बट इसमें ना विल नहीं आता, ये ध्यान रखना है। नेक्स्टली तब जब जो एग्जीक्यूशन किया है व्यक्ति वो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं कर रहा है, तब डेम्ड एडमिशन मान लेंगे, या फिर वो खुद ही ये बात एडमिट कर लिया है कि हाँ मैंने ही एग्जीक्यूट किया है डॉक्यूमेंट, तो एज पर सेक्शन 69 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 70 ये बताता है कि अगर जो अटेस्टिंग विटनेस है वो मना कर रहा है कि मैंने तो किया ही नहीं जी एग्जीक्यूट, या फिर उसे याद ही नहीं है कि उसने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया। कई बार ऐसा होता है ना, जो गवाह होते हैं वो कई मामलों में गवाह बनते चले जाते हैं और फिर उन्हें खुद ही ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने लास्ट टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया था। ये वही बात होगी ना कि दुकान वाले को अपने कस्टमर का ही नहीं ध्यान कि ये कस्टमर आया था मेरी दुकान पे, क्योंकि ऐसा होता है काफी सारे कस्टमर आते रहते हैं, तो वही सीन कभी कभी गवाहों के साथ भी हो जाता है कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है। तो इस सिचुएशन में जो एग्जीक्यूशन है ऐसे डॉक्यूमेंट का अदर एविडेंसेस के थ्रू प्रूव किया जा सकता है, लाइक सेक्शन नंबर 68 में जो तरीका बता रखा है उस तरीके से, या फिर सेक्शन नंबर 69 में जो तरीका है उस तरीके से। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको ना अटेस्ट कराना लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ये चीज ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, मर्जी ये कराओ या ना कराओ, और फिर अगर कोई व्यक्ति अटेस्टेशन करा लेता है, तो तब उसको प्रूव करने के लिए क्या सेक्शन नंबर 67 में हमने जो पढ़ा वो अप्लाई होगा? नहीं होगा भाई, जब उस डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन रिक्वायर ही नहीं था, तो भाई उसको भले उसका अटेस्टेशन कर लिया गया हो, उसको डील ऐसे ही किया जाएगा, उसको ऐसे ही प्रूव किया जा सकेगा जैसे कि अगर वो अटेस्ट ही नहीं किया गया होता। सेक्शन 72 कोर्ट को हैंडराइटिंग सिग्नेचर सील वगैरह कंपेयर करने की पावर देता है। ये कहता है कि अगर कोर्ट को डाउट है कि जो सिग्नेचर राइटिंग सील के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूटेड सिग्नेचर राइटिंग सील किसी सस्पेक्टेड पर्सन की है या नहीं, तो ये चीज कोर्ट ने डिटरमिन करनी है। तो कोर्ट क्या कर सकती है, उस सस्पेक्टेड पर्सन का सिग्नेचर राइटिंग सील वगैरह सैंपल के तौर पे मांग सकती है और फिर उसको डिस्प्यूटेड सिग्नेचर डिस्प्यूटेड राइटिंग डिस्प्यूटेड सील के साथ कंपेयर करके देख सकती है कि वो सेम सेम है या नहीं। और इवन कोर्ट पता ये भी कर सकती है, जो कोर्ट में मौजूद है ना व्यक्ति जिसपे शक हो रहा है उसको बोल सकते हैं कि भाई आ और लिख कुछ वर्ड्स, लिख कुछ फिगर्स वगैरह लिख, ताकि जो डिस्प्यूटेड राइटिंग है उसके साथ कोर्ट कंपेयर कर सके। बाकी ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 72 में जो कंपैरिजन करने की कोर्ट को पावर दे रखी है वो फिंगर इंप्रेशन पर भी एक्सटेंड होती है, और कोर्ट को डायरेक्ट कंपैरिजन करने का जरिया प्रदान करता है ये सेक्शन, और इस जरिए का कोर्ट तभी इस्तेमाल कर सकता है जब कोई मैटर कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है, और जब कोर्ट किसी पर्सन से मांग रहा है सैंपल हैंडराइटिंग का, सील का, सिग्नेचर का,
पर्सन ये नहीं कह सकता है कि अंडर आर्टिकल 20 क्लोज 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे जो सेल्फ इनक्रिमिनेशन के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट मिला हुआ है उसका ये वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज ऐसा नहीं करती है। ये बात कही गई थी स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघड़ के केस में कि सेक्शन 72 में जो कोर्ट के पास पावर है वो आर्टिकल 20 क्लोज 3 को वायलेट नहीं करती है। सेक्शन नंबर 73 डिजिटल सिग्नेचर के वेरिफिकेशन के प्रूफ के बारे में है, जो कि उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 के सेक्शन नंबर 56 से लेकर 73 तक के प्रोविजन डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें से हमने बाहर निकाल दिया सेक्शन 61, 62 एंड 63 को, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में थे, वो हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरे YouTube चैनल स्टडी गो विद ज़ीनत को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद ज़ीनत उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजों की अपडेट, किसी भी जुडिशियरी के एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो निकलती है उसके बारे में अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट के PDF नोट अवेलेबल है वो सब कुछ डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ये बुक परचेस करना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का या फिर कोई भी PDF नोट किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको परचेस करने के लिए ना मुझे व्हाट्सएप कर लेना या मेरी टेलीग्राम ID पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।